जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर सुबह से ही भारी संख्या में मतदाता अपने घरों से बाहर निकले हैं। सांबा का बॉर्डर का क्षेत्र हो, रामगढ़, विजयपुर, राजपुरा, गढ़वाल का क्षेत्र हो, अरनिया, बिश्ना, सुचेतगढ़, आरएसपुरा या जम्मू शहर का क्षेत्र हो, नगरोटा, राजपुर, दुमाना, मढ़, परगवाल, खोड़, अखनूर का क्षेत्र हो, इन सब जगहों पर मैं खुद सुबह से निकला हूं और देख रहा हूं लंबी लंबी कतारों में जनता मतदान के लिए निकली है। वहीं सुंदरबनी, कालाकोट, कटरा, रियासी, महोर, गुलाबगढ़, चिसाना, सुंगड़ी जैसे दूर दराज के और पहाड़ी क्षेत्रों में भी भारी मतदान की खबरें आ रही हैं। आपको लग रहा है तीसरी बार फिर से जीतेंगे? जबरदस्त जो मतदान हो रहा है और जो लोगों के चेहरों पर खुशी झलक रही है, ये साफ पैगाम है कि भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत रही है। अनंतनाग रजौरी सीट पर आपने जो लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसको फिर से रिव्यू करने के लिए कि कब चुनाव होंगे, क्या क्या आपकी इसके पीछे मंशा है? भारी बर्फबारी के चलते रजौरी पुंछ अनंतनाग और कश्मीर घाटी से कटा हुआ है। कश्मीर घाटी के जो उम्मीदवार अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो कश्मीर घाटी से रजौरी पुंछ उनका पहुंचना मुश्किल हो रहा है। और रजौरी पुंछ से जो चुनाव में खड़े हैं वो अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां नहीं पहुंच रहे, क्योंकि अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट दो हिस्सों में विभाजित है। एक भाग जो पीर पंजाल के हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर दिशा में कश्मीर घाटी का क्षेत्र है, और दूसरा भाग जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की पर्वती माला पीर पंजाल के दक्षिण में रजौरी पुंछ है। रजौरी पुंछ कश्मीर से मुगल रोड एकमात्र उसकी कनेक्टिविटी है, और भारी बर्फबारी के चलते मुगल रोड बंद कर दिया गया है। खुद श्री उमर अब्दुल्ला साहब, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को रजौरी पुंछ में अपने उम्मीदवारों की कैंपेन के लिए बहुत दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक श्री उमर अब्दुल्ला साहब अपने पार्टी के उम्मीदवार की कैंपेन के लिए रजौरी पुंछ नहीं पहुंच सके, जिसका कारण मुगल रोड पर भारी बर्फबारी के चलते रास्ता बंद होना है। स्वयं महबूबा मुफ्ती साहिबा जो इस वक्त रजौरी पुंछ में हैं, उनका काफिला 4 घंटे मुगल रोड पर पीर की गली के आसपास फंसा रहा, क्योंकि सड़क मार्ग से कश्मीर घाटी से अनंतनाग से रजौरी पुंछ आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग ने अगर रिपोर्ट मांगी है प्रशासन से, तो उसमें किसी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, उसके बाद चुनाव आयोग इस पर निर्णय करेगा। पर आज इतना ख्याल क्यों रखा जा रहा है जेके एनसी और पीडीपी का, आपको इतना ख्याल क्यों आ रहा है? आपका कैंडिडेट तो कोई नहीं खड़ा हो रहा। देखिए, 25 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे, केवल मात्र श्री उमर अब्दुल्ला साहब और मैडम सुश्री महबूबा मुफ्ती साहिबा वही चुनाव नहीं लड़ रहे, 25 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आप ही पर सवाल उठाए। और भाई, अब मौसम खराब है, भारी बर्फबारी हुई है, मुगल रोड की कनेक्टिविटी रजौरी पुंछ की कश्मीर घाटी से बंद है, तो इसमें बीजेपी का क्या कसूर है? अब मुगल रोड के ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में पीर की गली और पीर पंजाल के पहाड़ों के ऊपर जबरदस्त बर्फबारी हुई है, तो इस बर्फबारी में बीजेपी का क्या कसूर है? पर आपको लगता है, मैं उमर अब्दुल्ला साहब को एक सवाल पूछता हूं। उमर अब्दुल्ला साहब, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, बर्फबारी के लिए भी क्या बीजेपी को कसूरवार ठहरा रहे हैं? क्या पीर पंजाल
कि इन पहाड़ों में, हिमालय श्रृंखलाओं में जो भारी बर्फबारी हुई है, क्या उसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है? पर अगर वो नहीं पहुंच पा रहे तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट जिसको आप सपोर्ट करते हो उसको फायदा होगा। भाई ये चुनाव आयोग का फैसला है, चुनाव आयोग का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, हर एक मतदाता को, हर एक उम्मीदवार को वो फैसिलिटीज और वो एटमॉस्फेयर उपलब्ध करवाना जहां वो आसानी से कैंपेन कर सके, आसानी से मतदान कर सके। अब जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं अनंतनाग रजौरी पुंछ से और कश्मीर घाटी से आते हैं, और रजौरी पुंछ कैंपेन में नहीं जा पा रहे, और जो रजौरी पुंछ से इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो कश्मीर में, उनका जाना संभव नहीं हो रहा है। भाई इलेक्शन कमीशन अगर ये डेट्स बढ़ाता है नोटिफिकेशन की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ कैंडिडेट खड़ा करेगी, विचार किया जा सकता है? देखिए ये तो चुनाव आयोग का निर्णय है। भाजपा का क्या निर्णय? देखिए पहले चुनाव आयोग का फैसला तो आने दीजिए। पर क्या विचार किया जा सकता है? देखिए सब विचार होगा, लेकिन चुनाव आयोग के निर्णय के बाद, क्योंकि हम भारत के नागरिक होने के नाते देश के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के हर निर्णय को मानने वाले लोग हैं,